अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज से मैं स्टार्ट करने लगी हूँ रमज़ान प्रिपरेशन, क्योंकि रमज़ान आने वाला है। रमज़ान का बाबरकत महीना, उसमें जितनी कोशिश हो, इबादत हो, वो करनी होती है। तो बजाय इसके कि हम किचन में अपना टाइम वेस्ट करें, मैक्सिमम चीज़ें पहले से मैं बना के रख लेती हूँ। तो आज मैं जो सबसे पहले बनाने लगी हूँ वो मैं बनाने लगी हूँ चटनियाँ, जितनी भी मुझे रिक्वायर्ड है। तो खुबानी की चटनी सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ, इसकी मैं आपको बता देती हूँ। और उसके बाद फिर हम आएंगे इमली आलू बुखारे की चटनी की तरफ, और इमली की खट्टी मीठी चटनी की तरफ, और हरी चटनी की तरफ। तो ये ली थी मैंने खुबानी। खुबानी मेरे पास आधा किलो थी, इसको मैंने भिगो के रखा था, और ये देखें कितनी ज़बरदस्त थी, ये फूल गई है। और इसके अंदर से जो इसकी गुठलियाँ थी वो मैंने सारी निकाल दी हैं। आधा किलो मेरे पास खुबानी थी, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप। मैंने इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ, और ज़रदा रंग, येलो फूड कलर जो होता है वो इसके अंदर थोड़ा सा डलेगा। तो ये देखें इतनी ज़बरदस्ती खुबानी भिगो के मैंने रखी थी, वो हो गई है। तो ये मैं इसके अंदर सबसे पहले डाल रही हूँ खुबानी। खुबानी डाल के हम इसको बस पकना रखेंगे 15 मिनट के लिए। और उसके बाद 15 मिनट के बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ें सॉफ्ट हो गई थी, तो इसके अंदर मैंने इसको कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरह से। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी, 1 से 1.5 कप ये चीनी है। और इसके अंदर मैं डालूँगी येलो फूड कलर, ये ज़रदा रंग। और इसको बस हम 10-15 मिनट और पकाएंगे, तो ये चटनी भी हमारी रेडी हो जाएगी। अब मैं इसको कवर करने लगी हूँ। अब आते हैं हम आलू बुखारे की चटनी की तरफ। आलू बुखारा मैंने लिया था, 1 पाव ही आलू बुखारा था। इसको मैंने भिगो के रखा है, 4-5 घंटे ये हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह से ये भीग चुका है। और इमली का मैं इसमें पल्प डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून। आप ये इमली का पल्प डालना चाहें या ना डालना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मुझे इसके अंदर खट्टा मीठा सा बड़ा मज़े का लगता है, तो मैं इसके अंदर इमली का पल्प डालती हूँ। और इसके अंदर चीनी मैं डाल रही हूँ 1 कप से कम है, तकरीबन आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा, 3/4 कप ये चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसके अंदर डलेगा रेड फूड कलर, और थोड़ा सा हम टेस्ट देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर भी यूज़ करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। आलू बुखारे को डालते हैं पैन के अंदर, और इसको हम 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। आलू बुखारा हमारा सॉफ्ट हो गया है, अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ चीनी। ये सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देंगे, इमली का गूदा और 1/2 टीस्पून सॉल्ट एंड 1/2 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर, ये मैंने डाल दिया है। और अब इसको बस हम कवर मिक्स करके कवर कर देंगे। मिक्स करके इसको कवर करना है, इसमें भी बस 10 से 15 मिनट लगेंगे और झटपट सी हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। आलू बुखारे की चटनी को कुक होते हुए 15 मिनट हो गए हैं, ऑलमोस्ट ये रेडी है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये 4 मगज़, बादाम वगैरह आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, और रेड फूड कलर ये मैं थोड़ा सा डालूँगी, 2 to 3 ड्रॉप्स। ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त है, इसका कलर भी आ गया है। और बस ये ऑलमोस्ट रेडी है, मैं भी थोड़ी देर में 2 से 3 मिनट में फ्लेम इसका बंद कर आ रही हूँ इमली की चटनी की तरफ। तो इमली मैंने ये आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा, बल्कि आधा किलो ही ये इमली थी, इसको मैंने भिगो के रखा था। और इनकी अब ये गुठलियाँ और गूदा मैंने अलग अलग करना है। तो स्टार्ट करते हैं, इस तरह का स्ट्रेनर मैं यूज़ कर रही हूँ इसको अलग करने के लिए। आपके घर में जो भी स्ट्रेनर है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये इसके अंदर मैं सारा डालूँगी और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से गूदे को अलग। ये देखें ये सारा इसका नीचे निकल रहा है, पल्प इसका सारा निकल रहा है। और इस तरह से मैं इसका सारा पल्प जो है वो निकाल दूँगी। जो पल्प मैंने तैयार किया था वो ये सारा पल्प, ये देखें ये मैं इसमें पतीली में डाल रही हूँ, मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं इसको पकाने लगी हूँ। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चीनी, 1 कप चीनी है, 1 से 1.5 कप चीनी है। और इसके अंदर डालूँगी मैं पिसी हुई सूख मिर्च, कुटी हुई सूख मिर्च, खुश्क धनिया, ज़ीरा और नमक। ये सारी चीज़ें जो हैं 1/2 टीस्पून हैं, ये सारी मैंने इसके अंदर डाल दी। और बस इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर हम कुक करेंगे। और ये हमारी इमली की चटनी भी झटपट सी रेडी हो जाएगी। तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारी किस्म की चटनियाँ जो हैं ये हमारी रेडी हो जाएंगी। चटनी को 15 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं इसको चेक करती हूँ।
वाह ज़बरदस्त, ये देखें तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। और इसी तरह खुबानी की जो चटनी मैंने पकनी रखी थी उसको भी हो चुका है टाइम, उसको भी चेक करते हैं। ये भी रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं इसका कलर, और ये बड़ी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। अब फ्लेम को करते हैं बंद और इनको करते हैं डिश आउट। हम चलते हैं हरी चटनी की तरफ। तो उसके लिए मैंने ये पुदीना एक गट्टी है। हरी चटनी का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है चाट, चना चाट के अंदर, दही बड़ों के अंदर। पुदीना एक गट्टी, धनिया एक गट्टी, लीमू का रस, सब्ज़ मिर्चें और सॉल्ट, ये बस हम चीज़ें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ये लीमू का रस आ गया और मैं इसके अंदर डालूंगी हाफ टी स्पून सॉल्ट और बस मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। इन सारी चटनियों को आप पूरे एक महीने के लिए आराम से फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और जब ज़रूरत पड़ने पे आप इसको निकाल सकते हैं। हमारी तैयार हो गई है रमज़ान से पहले रमज़ान की प्रिपरेशन, आलू बुखारे की चटनी, इमली की चटनी, हरे धनिया पुदीने की चटनी, हरी चटनी और खुबानी की चटनी। ये चारों किस्म की चटनियाँ मुझे रमज़ान में ज़रूरत होती है तो मैंने इनको तैयार कर लिया है। इनको मैं फ्रीज़र में रखूँगी या फ्रिज में रखूँगी, जितनी मेरी ज़रूरत होगी उस हिसाब से मैं यूज़ करूँगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। थैंक यू।